कि इस वीडियो में हम लोग सर्व संख्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए का चित्रीय सत्यापन करेंगे। और पहले इसको कैसे प्रकट करें इस बात को हम जान लें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रकट करना है, तो यदि ए धन बी धन सी की एक भुजा का हम वर्ग लें तो उसका जो क्षेत्रफल होगा यह ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर प्रकट करेगा, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल। और उस वर्ग के क्षेत्रफल में हम यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए का हम देखेंगे कहाँ है और इसके बराबर होता है। आइए हम ए भुजा 22 सेंटीमीटर, बी 11 और सी 5 सेंटीमीटर, इस तरह से ए धन बी धन सी भुजा लिए, ए भुजा है, इसी के दूसरी भुजा ए बी सी पूरा ए धन बी धन सी, इसमें है ए धन बी धन सी पूरा भुजा हो गया ए धन बी धन सी, ए बी सी पूरी भुजा ए धन बी धन सी, इस तरह से ए धन बी धन सी यह ए धन बी धन सी का एक वर्ग है। इसका यह क्षेत्रफल जो इस क्षेत्रफल आपको दिखाई पड़ रहा है, यह क्षेत्रफल इस सरसमिका का लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस सरसमिका में इसमें क्षेत्रफल में हम देखें ए भुजा का एक वर्ग है और ए भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग ए स्क्वायर। इसको देखें यह एक ए लंबाई बी चौड़ाई का एक आयत है जिसकी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो ए गुणे बी बराबर ए बी। इसका क्षेत्रफल ए लंबाई सी चौड़ाई सी ए, इसका क्षेत्रफल सी गुणे ए सी ए, यहाँ ये ए लंबाई और ये बी चौड़ाई का एक आयत है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ए गुणे बी बराबर ए बी। यहाँ देखें बी लंबाई बी चौड़ाई का एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर। यहाँ देखें बी लंबाई और सी चौड़ाई का एक आयत है जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बी गुणे सी बी सी। यहाँ है ए लंबाई और सी चौड़ाई का एक आयत है जिसका क्षेत्रफल सी गुणे ए सी ए। यहाँ देखें बी लंबाई और सी चौड़ाई का एक यह आयत है इसका क्षेत्रफल बी सी। यह सी लंबाई सी चौड़ाई का एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल सी स्क्वायर। पूरा हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखें फिर ए बी ए बी ए बी टू ए बी सी ए टू बी बी सी बी सी टू बी सी सी ए सी ए टू सी ए, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है। यहाँ सीधे आप देखें ए स्क्वायर लेफ्ट, इसका देखें राइट हैंड साइड ए स्क्वायर, ये दूसरा हरा रंग का जो दिखाई पड़ रहा है बी स्क्वायर, यह सी स्क्वायर। आइए ये देखें ए बी ए बी टू ए बी बी सी बी सी, एक बी सी यहाँ एक बी सी यहाँ टू बी सी और सी ए टू सी ए, इस तरह से ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए हुआ। धन्यवाद।